नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बच्चों के लिए एक श्रृंखला ला रहे हैं जिसमें बच्चों के लिए अलग अलग कैसे आपको योगासन करना है, कैसे बच्चों का विकास करना है, उसके लिए रोज़ अलग अलग आसन हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिला कार्यालय जयपुर बस क्षेत्र से मैं डॉक्टर कल्पना वर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र बापूनगर से बोल रही हूँ। आज हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। बच्चों में रोज़ सूर्य नमस्कार करवाएंगे तो उसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। सूर्य नमस्कार के क्या क्या फ़ायदे हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए हमारे विभाग के चैनल पर आप यदि उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, उस हमारे विभाग के चैनल पर आप जाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में सभी सूर्य नमस्कार के क्या फ़ायदे हैं, बच्चों में क्या संस्कार होते हैं वो आप तक, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप उस चैनल पर जाइए और उस पर उसके फ़ायदे देखिएगा। आइए हम करते हैं सूर्य नमस्कार। 12 स्टेप का सूर्य नमस्कार। दोनों हाथों से नमन करेंगे, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे, जितना आप पीछे जा सकते हैं पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे धीरे धीरे। पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे, इसमें फोरहेड टच करो, मस्तक को घुटने के पास लगाने का अभ्यास करो। श्वास लेते हुए लेफ्ट पैर को पीछे की ओर लेके जाएंगे, दृष्टि आसमान में रखेंगे, इसे कहते हैं अश्व संचालन। फिर राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे, झुके झुके नाभि को देखेंगे, एड़ी पंजे टीका देंगे, इसे कहते हैं पर्वतासन। अब अष्टांग नमन करने के लिए घुटना, छाती और ठुड्डी जमीन पर टिकाएंगे और हिप्स थोड़े से उठे हुए रहेंगे। शरीर के 8 अंग जुड़े हुए रहते हैं इसलिए अष्टांग नमन कहते हैं। अब अगला स्टेप करने के लिए, भुजंग आसन करने के लिए, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, उदर तक के भाग को पूरा ऊपर उठाएंगे, दृष्टि आसमान में रखेंगे। और फिर पर्वतासन में आने के लिए झुके झुके नाभि को देखें, एड़ी पंजे टिका दें, हाथ के पूरे हाथ में खिंचाव तनाव महसूस करें और फिर श्वास लेते हुए लेफ्ट पैर को दोनों हाथों के बीच में लाएंगे, लेफ्ट पैर, दृष्टि आसमान में। फिर दूसरा पैर भी आगे लाएंगे और पाद हस्तासन करेंगे, मस्तक को घुटने के पास लगाएंगे और फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों से नमन करेंगे। इस प्रकार 12 स्टेप का सूर्य नमस्कार यदि हम बच्चों में रोज करवाते हैं, और ये सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ाते जाना है। शुरुआत में एक सूर्य नमस्कार किया, फिर दो करा। सूर्य नमस्कार एक जब ही कंप्लीट होता है, जब हम लेफ्ट पैर से और राइट पैर से दोनों से करते हैं तब एक सूर्य नमस्कार काउंट होता है। अब हम राइट पैर से करेंगे। हाँ बेटा, अब हम मंत्रों के साथ बोलेंगे, हमारे साथ मंत्र भी दोहराएंगे। दोनों हाथों से नमन करें। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः। राइट पैर पीछे जाएगा। ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देवता को नमन करें।
अपने परिवार में सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करें। इस प्रकार बच्चों में रोज़ सूर्य नमस्कार करवाएं और उनका विकास कराएं। धन्यवाद।